बाहर हमारा शुगर नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। मेरा जो थीम है ये मेरे ध्यान में है, मुझे इसके साथ कौन से गलत कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो इसी में तो आप कैसे करोगे, वो भी मैं आइडिया देती हूँ, क्योंकि मैं स्मोकिंग नहीं करती। अगर आपको स्मोकिंग करना है तो आपको क्या करना है, जेल लाइनर लेना है, सिर्फ आई बॉल एरिया में लगाना है आपको और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। फिर उसके ऊपर हमें ड्राई मैट फिनिश आई शेडो लेना है, वो लगाना है, उसके बाद स्पार्कल लगाना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जेल लाइनर लगाया, लॉक किया ड्राई शेडो से, उसके बाद मैट फिनिश कंप्लीट करने के बाद में आपने लाइक स्पार्कल ग्लू के साथ में आप आई शेडो लगा सकते हो स्पार्कल। राइट, ये वाला जो कलर आ रहा है दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट, ये मेरा टारगेट है। मैं इसलिए अपडेट इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ, बिकॉज हमारी आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वहाँ पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स ये सब होता है, हम स्ट्रेच करते रहेंगे तो हम और अच्छे से काम कर पाते हैं, हमारा शेडो के लिए अधूरा रह जाता है। ज़्यादा इंक्वायरी स्किन में आप करोगे तो खासतौर पर रिंकल्स और उसमें फाइन लाइन्स में हमारा प्रोडक्ट जो है वो फुलफिल नहीं होता राइट साथ, प्रोडक्ट को प्रॉपरली फुलफिल करवाने के लिए हमें हमेशा आई शेडो जब भी आप लगाते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना। अब मेरी जो ब्राइट है उसके जो ज्वेलरी में मैंने कलर लेना है वो रिंग बीड्स के साथ में काम करना है मुझे, तो मैंने क्या किया एंड में। अब ग्रीन कलर के पहले मैंने ब्लैक क्यों लगाया, मैंने डायरेक्ट ग्रीन क्यों नहीं लगाया, कभी भी ग्रीन कलर जो है वो स्किन में डार्क बेस या लाइट बेस के साथ में एम्बोस होकर आता है या प्रॉपर दिखता है, उसका ग्रीन है ब्लू है ये दोनों कलर्स के बाद क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी स्किन में ग्रीन ब्लू कलर होता है, हमारे वेन्स जो है उसका कलर क्या होता है, जिनके वेरिकोज वेन्स है उनको पता है ग्रीन या ब्लू या पर्पल। ठीक है, मतलब पर्पल जो है वो ब्लू फैमिली, राइट, ब्लड का कलर क्या है रेड, करेक्ट, और ब्लू जो है वो हमारा अंडरटोन है बालों का, डार्क सर्कल्स का, उसका अंडरटोन जो होता है वो ब्लू होता है एक साइंस से, राइट, तो इसीलिए जब भी आप ग्रीन या ब्लू लगाओगे डायरेक्ट स्किन पे लगाओगे तो उसका इंटेंस इतना नहीं आएगा जितना आप डार्क के साथ प्ले करके लगाओगे, डार्क फेस देखे या लाइट फेस देखे करोगे तो उसका जो इंटेंस है, सपोज मैंने एक इंच वाइट पे ग्रीन लगाया होता तो उसका इंटेंस अलग टाइप का आता, ब्लैक पे लगाया उसका इंटेंस अलग टाइप का है, तो हमेशा ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मुझे और बारीकी से काम करना है तो मैं क्या करूंगी, ब्रश को मैं पतला करूंगी। देखो हम कई बार पिक्चर्स देखते हैं जिसमें हमें ब्राइड की आंखों पे बहुत ज्यादा मतलब स्पार्कल और ये सब नजर आता है, हमें वैसा लुक चाहिए, तो हम कैसे करते हैं? जो भी आप प्रोडक्ट्स लेते हो ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट्स जो है उसका क्वांटिटी है वो उपज नहीं है, प्रोडक्ट्स का जो क्वांटिटी है वो उपज नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस प्रोडक्ट पे अच्छा काम करना है। और प्रोडक्ट्स जब अच्छे होंगे तो आपको बहुत क्वांटिटी यूज नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली दे वर्क्स। आलमंड शेप नजर आ रहा है सबको? अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम लोग, क्योंकि ये लिक्विड था हमें इसको लॉक करने के लिए हम अब शैम्पू यूज करेंगे जो कि गोल्डन हो सकता है, जो कि कॉपर हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं इसको आईबॉल एरिया पे ले रहे हैं और जस्ट डैब कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको स्क्रैच नहीं करना है, आपको डैब करना है। जस्ट प्रेस करना है, इसको डैप करना है, राइट? तो
दोनों तरफ बैलेंस करके सेम ऑन अनदर साइड क्योंकि मुझे हाइलाइट्स में ग्रीन कलर डालना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैंने ग्रीन कलर लिया है और आई पाउडर से हमेशा जब भी आप मेकअप करते हो, चाहे आप आई मेकअप करें, चाहे आप फेस ब्लेंड करें, आपको एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वो है ब्लेंडिंग। आपका जो ब्लेंडिंग है वो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ब्लेंडिंग अच्छा नहीं है तो आप मेकअप में अगेन फेल हो जाओगे, राइट? तो जो भी आप दो कलर, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, गंगा जमुना का संगम देखा है आपने? हाँ, दो नदियों का संगम देखा है, जब वो पानी मिल जाता है तो वो एक दूसरे के अंदर अच्छे से मर्ज होना चाहिए। ब्लेंडिंग आपका बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। ब्रश को साथ के साथ ही आप क्लीन करना, ड्राई करना, ये हमें यकीन होना है कि हमें प्रॉपरली रखेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है, देखो मेकअप कहाँ कर रहे हो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ कर रहे हो, इन द सेंस ब्राइड में भी, ठीक है? अब ब्राइड में एक होता है कि टोटली मारवाड़ी फैमिली है, बहुत ट्रेडिशनल लोग है, बहुत सीधे साधे से लोग हैं, और वहाँ आपने मेकअप कर दिया हाई फैशन, क्या होगा, फेल हो जाओगे, ठीक है? और जहाँ पे कोई पंजाबी सरदार फैमिली है, जहाँ पे सारे दिल्ली बॉम्बे से लोग आए हैं, स्टाइलिश है, फैशन है, लड़की के अंदर एटीट्यूड है, एक स्टाइल है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, और ऐसे भी अगर आपने सिंपल सा मेकअप कर दिया, अगेन आप फेल हो, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना कि आप किस पे मेकअप कर रहे हो, पर्सन क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? तो हमेशा ये चीजों को आप फोकस करके ही काम करना है, मतलब देखो आपको कितनी चीजों पे बर्डन लेके काम करना है, बर्डन नहीं, इसको हमारी हैबिट में लाना है, ठीक है?
किया तो मैंने ऐड किया है और क्योंकि इसके ऊपर मुझे स्पार्कल लगाना है, स्पार्कल लगाने से पहले मैंने क्या किया पूरा बेस तैयार किया राइट। मुझे लोअर लिड पे उतना ही इम्पोर्टेंटली काम करना है लेकिन लोअर लिड पे हमको क्योंकि अंदर आए डार्क से तभी थोड़ा कवर करेंगे तो हम तब उसको कवर आपको ध्यान रखना है कि कितना प्रोडक्ट आपने कहाँ से उठाया है।
आवाज नहीं आ रही किसी की? यस मैम। सो तो नहीं गया? नहीं सुन तो नहीं आती किसी को? देखने में भी मैं जा सकता हूँ ठीक है, एक आध नींद भी आ जाती है। एक आध हफ्ते उपी ले ले। नाउ जब भी हम लोग बेस स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले अराउंड द आर्टिकल पूरा उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर कहीं कोई प्रोडक्ट गिरा हुआ है तो फिर क्या होगा, वो आपके बेस के साथ में चलता जाएगा, वो आर्ट आपसे तो उसको और ज़्यादा पसंद होगा। तो हमेशा उसको क्लीन कर देना, अच्छे से क्लीन कर देना। अब हमने पहले क्या लगाया था? मॉइस्चराइजर, राइट? और उसके बाद ऑयल स्टिंग लगाया था, दैट्स इट। ऑयल हमने बहुत लेस क्वांटिटी में लगाया। अब मैं चूंकि बेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा प्राइमर यूज करना कंपल्सरी है। मैंने सिलिकॉन बेस प्राइमर लिया है और बेस में मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये प्राइमर मैंने पहले क्यों नहीं लगाया? ठीक है,
अब आप देखिए इसके अंदर क्या कलर नजर आ रहा है। बड़ा देखो क्या नजर आ रहा है इसमें, नहीं डार्क, नहीं डार्क या लाइट की पूछ रही, येलो या रेड? रेड, राइट। मैं इसमें लूंगी तो क्या होगा, ये थोड़ी देर में डार्क हो जाएगा क्योंकि इसका अंडरटोन येलो है। मुझे किस पे जाना, हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारी बॉडी में कैल्शियम है तो हम दूध में कैल्शियम लेते हैं या बाकी चीजों में कैल्शियम लेते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगी। हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें नहीं है अगर वो चीज डालेंगे तो क्या होगा, या तो वॉमिट हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे, या बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी या बीमार हो जाओगे, करेक्ट। तो हमेशा पिगमेंट्स भी वैसे ही काम करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली वही पिगमेंट्स हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज वो निकाल देती है।